गुड आफ्टरनून सज्जनों, अभी मौसम काफ़ी धूप खिली हुई है, साफ है मौसम आज, एकदम बहुत तेज़ धूप लगी है। दिन में गीले कपड़े वगैरह वगैरह जो थे वो सब सूख गए। अभी देखिए काफ़ी धूप है, धूप लगी हुई फुल दिन में। आज बारिश कम थी, जो गीले थे कमरे भी कुछ गीले होते हैं यहाँ पे, जो सिलाप आता है ओभरों में कोलन की वजह से, वो भी थोड़ा सा हल्का हल्का सूख जाता है तो थोड़ा अच्छा हो जाता है, नमी थोड़ा हट जाती है। तो हमारे चौक में भी जो नमी पन था वो भी थोड़ा सूख गया। अभी देखिए अभी अच्छा लग रहा है। अभी मैं कुछ अपने किचन गार्डन के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए ये हमारे पास ये अखरोट का पेड़ है, इसमें अखरोट के दाने आ रखे हैं। देखिए काफ़ी अखरोट आ रखे हैं इसमें, देखिए अभी थोड़े एक महीने के अंदर ये फिर तोड़ देंगे इनको। और ये छीमियों के पौधे, साग सब्जियों के पौधे बहुत लगा रखे हैं। ये देखिए ये हमारा ये मिर्ची के पौधे, मिर्ची लगा रखी है। और ये मूली भी साथ में है, मूलियां हैं। आगे मिर्ची हो गई थी छोटी छोटी, इस पे लग गई। वैसे ये अमरूद का पेड़ है, मिर्ची देखिए, मिर्ची के पौधे, अभी मिर्चियां लगने शुरू हो जाएगी इस पे। बाकी कंडली भी होती है यहाँ पर। ये हमारा अरबी के पौधे हैं, देखिए अरबी, जिसको पाफड़ बोलते हैं हम, पाफड़ है ये लगा रखा। ये नींबू का पेड़। बाकी नीचे और दूसरे गार्डन में मूलियाँ काफ़ी लगा रखी है, मूलियाँ देखिए, मूलियाँ, छीमियाँ। और ये और पेड़ हमारे मौसमी का पेड़ है, टमाटर के भी बहुत पौधे लगाए हुए हैं। देखिए आप टमाटर, ये मक्की भी होने वाली है अब थोड़ा थोड़ा, देखो मक्की। और ये टमाटर के पौधे काफ़ी लगे हुए हैं, टमाटर लगे हुए हैं इन पे, टमाटर लग गए हैं, देखिए काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं इसके। ये मक्खियाँ भी होने लग गई अभी, ये देखिए आप। मिर्ची काफ़ी लगा रखी है, मिर्ची यहाँ है मिर्ची। ये इसकोस का पेड़ है, इससे हम टुकड़ू भी खाते हैं। मूलियाँ लगा रखी, काफ़ी सब्जियाँ हो रखी है, अभी बरसात में बहुत सारी सब्जियाँ हो जाएगी अभी हमारे पास। दो तीन दिन पहले मैंने एक झरना दिखाया था अपने पपड़ी का, वो अभी सूख चुका है, अभी पानी उसमें बंद हो गया, क्योंकि अगर जब बरसात लगातार होती है तो तब वो आता है, उसके बाद वो सूख जाता है। अभी दो तीन दिन से बारिश नहीं हुई तो इसलिए वो सूख गया अभी, लेकिन अभी नदी में पानी है काफ़ी, अभी है, दिख रहा होगा आपको सुंदर नदी का ये झरना बन गया है। यहाँ पे ये पुल बन गया है जिसको ढंडी बोलते हैं, फर्स्ट क्लास ढंडी होगी, और उसके नीचे बहता हुआ ये झरने की शक्ल में कितना सुंदर लग रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर। बादल तो लगे हैं लेकिन नॉर्मल आसमान ठीक है, बारिश वगैरह नहीं हो रही। और मैं ये गांव के फिर नदी की तरफ जा रहा था तो उसमें मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे बड़े आनंद ले रहे हैं, देखिए नहा रहे हैं लोग अच्छे से। ये देखो ये दूसरी पार्टी बच्चों की नहाने, बड़े मजे ले रहे हैं, देखो ये देखिए। हाँ ये चलो तू भी डाला डुबकी, ये देखिए बड़ा आनंद ले रहे हैं बच्चे लोग, मजे कर रहे हैं। अभी ये दादियाँ लोग हमारे घर में बैठी हुई है, शाम को आके बैठ जाती हैं। हाँ
दादी ने देखो चल ये दादी जी हमारी जोरा खोली अब फिर अब बादल आने लग गए हैं शाम हो गई है अब कोहरा आने लग गया दिन में काफी धूप थी लेकिन अभी फिर कोहरा लग गया है फिर शाम को फिर बारिश की उम्मीद लग रही मुझे दिन में तो अच्छी धूप हो गई थी कपड़े वगैरह सब सूख गए थे।